सो हाय एवरीवन दोस्तों, आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम में जो है ना एक दिक्कत आ रही है, एक प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मेरे पास जो है ना काफी सारे बंदे कमेंट भी कर रहे थे और डीएम भी कर रहे थे कि भाई हम जो है ना जैसे ही कोई पोस्ट करते हैं और वहां पर कोलोबरेटर का जो ऑप्शन होता है ना, कोलोबरेशन करने के लिए को ऑप्शन होता है, हम जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं ना इन्वाइट कोलोबरेटर पर, वहां पर एक दिक्कत देखने को मिलती है जिसको आप ये बोल सकते हो कांट बी इन्वाइटेड एज ए कोलोबरेटर। अगर आपको भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब पर कोई भी इस तरह का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। यहां पर आपको सब कुछ लाइव करके दिखाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब गाइस आपको इसको सही कैसे करना है, साइड में आपको मोबाइल स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो गाइस यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना। जैसे आप अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहां पर मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा भाई ये सेटिंग कर दो वो सेटिंग कर दो या फिर आप रिपोर्ट कर दो, यहां पर मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना होता है, यहां पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कोई भी एक फोटो ले लेता हूं, आप देख सकते हो यहां पर मैं ये वाला फोटो ले लेता हूं। ठीक है, एंड उसके बाद यहां पर हम कॉर्नर में क्लिक करते हैं, एंड उसके बाद यहां पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब गाइस यहां पर आपको क्या करना होता है, यहां पर आपको दोबारा से इसी पर क्लिक करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब यहां पर आपको क्या करना होता है, यहां पर आपको टैग पीपल पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला है टैग का और दूसरा है इनवाइट कोलोबरेटर का, जिसको आप कोलोबरेशन के लिए यूज करते हो। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर हम इस पर क्लिक करते हैं, जिसे हम इस पर क्लिक करते हैं, अब यहां पर जिस भी पर्सन को या फिर कोई आपका दोस्त हो जिसको भी आप यहां पर जिसके भी साथ आप कोलोबरेशन करना चाहते हो, तो यहां पर आप क्या करते हो उसकी आईडी को सर्च करते हो। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं सर्च करता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर मैंने इस वाली आईडी को सर्च किया, तो यहां पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर ये दिक्कत आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब गाइस इसको आपको सही कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए ये दिक्कत ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ओके पर क्लिक करना है, एंड गाइस यहाँ पर हमने जो सबसे ऊपर की तरफ लिखा था मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं दूसरे वाली आईडी को सर्च करता हूँ अपने वाली को, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इस वाली आईडी को सर्च कर दिया। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली आईडी यहाँ पर तुरंत ऐड हो गई है, बट वहाँ पर जो है ना वो वाली आईडी वहाँ पर ऐड नहीं हो रही है। अब वो वहाँ पर ऐड क्यों नहीं हो रही है सबसे पहले आपको ये समझना होगा। अब वो वहाँ पर क्यों नहीं ऐड हो रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसी आईडी पर आपको लेकर चलता हूँ, क्योंकि वो भी मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए आईडी बनाई हुई है। तो यहाँ पर मैं उसी आईडी पर आपको लेकर चलता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको सब कुछ लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, जिसे हम इसको क्लोज कर देंगे। तो गाइस यहां पर जो है ना हम उस वाले अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो भाई यहां पर जो है ना हमने इस वाले आईडी को लॉगिन कर लिया। अब यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना होता है, यहां पर मैं सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को हटा देता हूं, एंड उसके बाद यहां पर आपको बताता हूं। ठीक है, अब गाइस यहां पर मैं आपको बता दूं वहां पर आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ठीक है, आपको वहां पर क्यों प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। अब यहां पर हम सबसे पहले प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं, एंड यहां से कोई भी एक फोटो यहां से चुन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर मैंने इस वाले फोटो को चुन लिया, एंड उसके बाद यहां पर हम राइट निशान पर क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद यहां पर दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे, एंड उसके बाद यहां पर हम टैग पीपल पर क्लिक करते हैं, जिसे हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो भाई इस वाली आईडी में तो इनवाइट कोलोबरेटर वाला ऑप्शन ही नहीं है। अब इस वाली आईडी में इनवाइट कोलोबरेटर वाला ऑप्शन क्यों नहीं है, और आप जैसे कोई भी फोटो पोस्ट करते हो तो वहां पर आपको वो प्रॉब्लम देखने को क्यों मिलती है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो गाइस यहां पर मैं आपको बता दूं ये वाली जो आईडी ना इस वाली आईडी पर अभी इनवाइट कोलोबरेटर का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। अब वो क्यों नहीं है और कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर क्लोज करना है, आप ये बात तो समझ गए कि आपकी आईडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो सिर्फ आपकी दोस्त की आईडी में, या फिर जिसके साथ आप कोलोबरेशन करना चाहते हो उसकी आईडी में दिक्कत है, जिसकी वजह से आपको वहां पर एरर देखने को मिल रहा है, कांट बी इनवाइटेड करके वो एरर है। अब उसको अपनी आईडी को सही कैसे करना है, उसको अपनी आईडी में इनवाइट कोलोबरेटर वाला ऑप्शन कैसे लाना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप चाहो ये वीडियो उसके पास शेयर कर सकते हो, जिससे क्या होगा वो इस वीडियो को देखेगा और अपनी आईडी को सही कर लेगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम बैक करते हैं, जिसे हम बैक कर देंगे। अब गाइस यहां पर मैं आपको रीजन बता दूं भाई इनकी आईडी पर इनवाइट कोलोबरेटर का ऑप्शन क्यों नहीं अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर प्रोफाइल के लोगो पर क्लिक करते हैं, एंड उसके बाद यहां पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब यहां पर आपको क्या करना होता है भाई, यहां पर आपको सबसे पहले थ्री लाइन पर क्लिक करना होता है, एंड उसके बाद यहां पर आपको सेटिंग में क्लिक करना होता है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब गाइस यहां पर आपको अकाउंट पर क्लिक करना होता है, अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब गाइस यहां पर आपको क्या करना होता है, यहां पर आपको अकाउंट स्टेटस पर क्लिक करना होता है, जिसे आप इस पर क्लिक कर देते हो उसके बाद यहां पर आपके सामने लोडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। यहां पर आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। सबसे पहला रीजन तो ये कि यहां पर आपको चेक कर लेना है रिकमेंडेशन गाइडलाइंस, और दूसरा है कम्युनिटी गाइडलाइन, यानी कि आपके अकाउंट पर कोई गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अकाउंट पर कोई गाइडलाइन होती है तो आप जो है ना इनवाइट कोलोबरेटर के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, वहां पर आपको डिसेबल कर दिया जाता है, यानी आपके अकाउंट से आपके आईडी से इनवाइट कोलोबरेटर को डिसेबल कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आपके अकाउंट पर या फिर आपके दोस्त के अकाउंट पर गाइडलाइन स्ट्राइक है तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, अगर आपके इन दोनों से ये फिर भी आपके अकाउंट पर इनवाइट कोलोबरेटर वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है तो यहां पर आपको क्या करना है भाई, यहां पर आपको बैक कर देना। जिसे आप बैक कर देंगे यहां पर आपको अपनी प्रोफाइल के लोगो पर क्लिक कर देना है।
अब गाइस यहाँ पर मैं आपको दूसरा रीजन बताता हूँ, उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करना होता है। जिससे आप इस पर क्लिक कर देते हो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है भाई, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना होता है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांडेड कॉन्टेंट पर क्लिक करना होता है। जिससे आप इस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपका यहाँ पर इनिजिबल आ रहा है तो आपके अकाउंट पर भाई इन्वाइट कोलैबोरेटर वाला ऑप्शन तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप ब्रांडेड कॉन्टेंट के लिए इलिजिबल नहीं हो जाते। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अभी इनिजिबल आ रहा है, जैसे इलिजिबल आ जाएगा तो यहाँ पर जो है ना आपके अकाउंट पर इन्वाइट कोलैबोरेटर वाले ऑप्शन को एनेबल कर दिया जाता है। प्रूफ के लिए यहाँ पर आप अपने आईडी में खुद चेक कर सकते हो आपका जो ना ब्रांडेड कंटेंट इलिजिबल होगा और आपके अकाउंट पर कोई गाइडलाइन भी नहीं होगी तभी आपको इनवाइट कोलैबोरेटर वाला ऑप्शन मिला हुआ है। अगर आपके अकाउंट पर गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है तो आपके अकाउंट से जो ना इनवाइट कोलैबोरेटर वाले ऑप्शन को डिसेबल कर दिया जाता है। अब इसको सही कैसे करना होता है, मैंने उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर जो ना एक चीज और होती है, यहाँ पर हम प्रोफाइल के लोगों पर क्लिक करते हैं, जिसे हम इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर प्लान पर क्लिक करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर हम सेटिंग में क्लिक करते हैं, जिसे हम सेटिंग में क्लिक कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब गाइस यहाँ पर जो ना जिस भी पर्सन के साथ या फिर जिसके भी साथ आप कोलैबोरेशन करना चाहते हो या फिर जिसकी आईडी पर कोलैबोरेटर वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इन दो रीजन से अलावा एक रीजन और होता है, यहाँ पर जो है ना आपका अकाउंट प्राइवेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये चेक कर लेना है, यहाँ पर आपको प्राइवेसी पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको प्राइवेट अकाउंट को चेक कर लेना है कि आपका अकाउंट प्राइवेट तो नहीं है। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट होगा तो भी आपको इनवाइट कोलैबोरेटर वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ पर एक चीज और होती है, यहाँ पर जो ना आपका अकाउंट जो है ना क्रिएटर में या फिर बिजनेस में स्विच होना चाहिए तभी आपको इन्वाइट कोलैबोरेटर वाला ऑप्शन मिलता है। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, हमारी इंस्टाग्राम आईडी वसीम की टेक, जो हमारे चैनल का नेम है वही सेम हमारे इंस्टाग्राम आईडी का भी यूजर नेम है। अगर आप चाहो सर्च करके हमें वहां पर फॉलो भी कर सकते हो और वहां पर आप कोई भी मैसेज करोगे तो वहां पर मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।